रानीगंज आसनसोल दुर्गापुर समेत पूरे जिले भर में गुरुवार सुबह से ही जमकर बारिश हुई। गुरुवार सुबह से हो रही लगातार बारिश के वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त दिखा। इस बारिश ने जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत दी, वहीं दूसरी तरफ लगातार तेज बारिश ने लोगों का घर से बाहर जाना दुभर कर दिया था। लोगों को बाहर आने जाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बच्चों को स्कूल जाने में भी काफी परेशानियां झेलनी पड़ी। इस दिन बारिश के वजह से रानीगंज के कुछ निचले इलाके जलमग्न हो गए। कई हिस्सों में पानी भर गया, कई लोगों के घरों तक में जल प्रवेश कर गया था। बारिश के पानी से नाले के पानी भी बाहर बहने लगे। आसनसोल में भी कुछ ऐसा ही नजारा बारिश के कारण देखने को मिला। लगातार बारिश से आसनसोल में भी आम जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। वहां भी विभिन्न इलाके जलमग्न हो गए, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्कूल के बच्चों समेत ठेले में सब्जी मछली एवं फुटपाथ में दुकान लगाने वालों को भी काफी परेशानियां झेलनी पड़ी। सबसे ज्यादा आसनसोल के दिलदार नगर में जल जमाव एवं कुछ घरों में पानी घुस गया। भागने का जगह नहीं मिलता है, इतना पानी आ जाता है। किसी को बोलते हैं कितना का था तो बोल कर तो थक गए, क्या करे। ऐसे हम लोग पैसा रहता तो बनाते नहीं थे, क्या करें। बच्चा है घर में, देखे ऊपर चौकी पर रखे हुए हैं। वहीं दुर्गापुर में भी लगातार बारिश का नजारा देखने को मिला। इस दिन दुर्गापुर में तेज बारिश के वजह से काफी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बारिश की वजह से आम लोग अपने घरों में दुबक कर बैठने को मजबूर थे। हालांकि दोपहर तक लोगों को बारिश से कुछ हद तक राहत मिली। और क्या होगा, जब भी देख रहे हैं, जब भी आधा घंटा एक घंटा पौन घंटा पानी पड़ता है तो यही होता है। लड़का लोग तैर के दम नहाना स्टार्ट कर देता है, और थोड़ा देर पानी पड़ेगा तो दुकान में हम लोग अंदर चलाता है। देख रहे हैं सब सामान इसी वजह से उठा के रखी है, चौकी है उसका ऊपर सीना लगा के उठा के रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।